हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हीमोलाइटिक अनीमिया। इससे पहले भी हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिया, हम ये सब अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, वो टॉपिक समझने हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं फोर टाइप ऑफ अनीमिया, जिसका नाम है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया, हम पहले इसको नेम से जान लेते हैं। ये देखिए, दो वर्ड से बना है, हीमोलाइटिक। हीम मतलब आरबीसी से रिलेटेड है। तो जब है ना, हीम या फिर आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लग जाए, उसकी लाइसिस होने लग जाए, और उसकी वजह से जो भी अनीमिया होगी, हम उसको बोलेंगे हीमोलाइटिक अनीमिया। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें आरबीसी जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, मतलब डैमेज हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं किसी भी कॉज, मतलब कोई भी कॉज हो सकता है, किसी भी फैक्टर की वजह से। अगर आरबीसी डैमेज हो रही है, मतलब फिजियोलॉजिकली की बात नहीं कर रहे, पैथोलॉजिकली अगर आरबीसी डैमेज हो रही है, तो वो हम उसको बोलेंगे हीमोलाइटिक अनीमिया। डेफिनेशन देखते हैं। हीमोलाइटिक अनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज रेट ऑफ रेड सेल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेड सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, लेकिन जो रेड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो इंक्रीज्ड अमाउंट में हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट में हो रही हैं, जो कि हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी करा देगा और हमारी बॉडी उनको जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हीमोलाइटिक अनीमिया। और हम दूसरी डेफिनेशन भी देखते हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडी डेवलप्स अगेंस्ट रेड सेल एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी रेड सेल्स को एज अ एंटीजन मानने लग जाती है, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से अब एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप करी है तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जैसे कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अब यहाँ पे रेड सेल ही एंटीजन है, तो एंटीबॉडी रेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल तो हम जानते ही हैं कि है ना, वो हम जिसमें वो रीसस, मतलब आरएच एंटीजन जो पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैरो कैन कंपनसेट फॉर इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल। मतलब जो बोन मैरो है हमारी, वो ना बहुत जब अगर है ना रेड सेल डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो उनके मतलब उनके रिस्पॉन्स में वो जल्दी जल्दी रेड सेल को प्रोड्यूस भी करेगी। अगर डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, उसे पता है कि हमारी बॉडी में फिर आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से उनका मतलब जल्दी प्रोडक्शन कराएगी, उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है आरबीसी का 90 to 120 डेज है, और लेकिन हीमोलाइटिक अनीमिया में जो लाइफ स्पैन हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, 10 to 20 डेज हो जाएगा, 50 डेज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के क्लासिफिकेशन की। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंट्रा एरेथ्रोसाइटिक या फिर एक्स्ट्रा एरेथ्रोसाइटिक डिफेक्ट। ठीक है, इंट्रा एरेथ्रोसाइटिक मतलब ब्लड वेसल, मतलब जो आरबीसी में ही अगर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, आरबीसी में ही डिफेक्ट है। एक्स्ट्रा एरेथ्रोसाइटिक मतलब कहीं और डिफेक्ट है, जैसे स्प्लीन हुई, ठीक है, या फिर है ना, या फिर कुछ और, मतलब आरबीसी के बाहर हुई, जैसे कि हमारे कोई और डिसीज़ होगी, कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से आरबीसी में कोई डैमेज हो रहा है। ठीक है, इंट्रा आरबीसी मतलब ये आरबीसी है और इसी में है ना इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एरेथ्रोसाइटिक मतलब ये आरबीसी है, इसमें मेम्ब्रेन वगैरह तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, आरबीसी हमारी हेल्दी है, लेकिन बाहर ही ऐसा कुछ हुआ कि है ना कि वो आरबीसी कम बनने लग गई या फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो इंट्रा एरेथ्रोसाइटिक में दो टाइप हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल को फर्दर डिवाइड किया गया है मेम्ब्रेन डिफेक्ट में, या तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि रप्चर हो जाए या फिर ना बने, मतलब उसमें ही कोई डिफेक्ट हो जाए। ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, जैसे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसमें ही कोई डिफेक्ट हो जाए, या तो है ना उसकी अमाउंट कम हो जाए, या फिर उसके हीम ही ना, मतलब हीमोग्लोबिन ही ना बने, ऐसा कुछ हो सकता है। एंजाइम डिफेक्ट, जो हमारी बॉडी में एंजाइम है उसमें डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट में क्या होता है,
हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, मतलब क्या है कि आरबीसी की शेप ही चेंज हो जाएगी। हमारी आरबीसी की शेप क्या है, बाइकॉनकेव, लेकिन इसमें क्या है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, आरबीसी की शेप क्या हो जाएगी, स्फेरोसाइटोसिस, मतलब स्फीयर टाइप हो जाएगी, ठीक है। हेरिडिटरी में, हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस, इलेप्टोसाइटोसिस में क्या होगा, ये इलेप्टिकल शेप की आरबीसी यहाँ पे हो जाएगी। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट में क्या है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, कहना डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनती है, ठीक है, और मतलब वो ग्लोबिन चैन बनती है, डिफेक्टेड ग्लोबिन चैन, मतलब ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या है कि नॉर्मल अमाउंट में तो प्रोड्यूस हो रही है ग्लोबिन चैन, लेकिन है ना, लेकिन वो डिफेक्टिव बन रही है, उसकी क्वांटिटी में, वो क्वालिटी में डिफेक्ट है। थैलेसीमिया में क्या है, नॉर्मल जो है वो ग्लोबिन चैन नॉर्मल नहीं बनती, ठीक है, इसकी क्वांटिटी में डिफेक्ट है। इंजाइम डिफेक्ट, इंजाइम में कौन कौन, G6PD जो हमारे में इंजाइम है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और क्या हो सकता है, पाइरूवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हमको किस में दिखता है, EMP साइकिल, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है, और HMP साइकिल में दिखता है, ठीक है। एक्वायर्ड अगर हम देखें तो एक्वायर्ड में क्या है, PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। एक्स्ट्रा एरिथ्रोसाइटिक डिफेक्ट में हम देखेंगे कि RBC के बाहर कौन सी चीज़, जैसे हमारे में एंटीबॉडी डेवलप हो गई, एंटीबॉडी एलोइम्यून या फिर ऑटोइम्यून, ये ऑटोइम्यून हम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोइम्यून में क्या है, वॉर्म ऑटोइम्यून, कोल्ड ऑटोइम्यून, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया और PCH। वॉर्म ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसको हम वॉर्म AIHA भी कहते हैं, जो कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, कोल्ड AIHA बोलेंगे इसको, और PCH, ठीक है। मैकेनिकल में प्रोस्टेटिक हार्ट वॉल्व की वजह से अगर RBC डैमेज हो रही है, या फिर माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ड्रग्स हो सकती हैं जो कि RBC डिस्ट्रक्ट करें, टेप्सोन, प्राइमेक्विन, ठीक है। और इन्फेक्शन में मलेरिया, मतलब मलेरिया जो होता है, हमें पता है मलेरिया RBC को डिस्ट्रॉय करता है। इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज की वजह से भी RBC डिस्ट्रॉय हो सकती है, और न्यूप्लास्टिक डिसीजेज की वजह से भी RBC पे हमारा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स अब हम देखते हैं, तो अनीमिया तो हमें डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि है ना RBC डिस्ट्रॉय हो रही है। माइल्ड जॉन्डिस भी दिख सकता है, क्योंकि इसमें हमें इंक्रीज जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो हमको दिख रहा है, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन दिख रहा है हमको। और वो किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि जो RBC है वो हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में बटी हुई होती है, मतलब दो पार्ट से बनी हुई होती है, जिसमें हीम होता है वो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से होता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से। अब क्या है, आयरन तो रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है, और प्रोटोपोरफायरिन ये क्या है, इसमें क्या है कि इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो क्या कॉज करेगी, जॉन्डिस, ठीक है। यूरिन इसमें नॉर्मल होती है, जब पेशेंट पास करेगा यूरिन को, जब तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल होगी, लेकिन है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद एयर के कॉन्टेक्ट में आने में वो डार्क हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, यूरोबिलिनोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा यूरोबिलिन में, ठीक है, यूरोबिलिनोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा यूरोबिलिन में, जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, और इसमें ब्लैक यूरिन हमको दिखेगी, हीमोग्लोबिन यूरिया दिखेगा, स्प्लीनोमिगैली दिखेगी, पेलर जो स्किन है, मतलब वो पेलर दिखेगी, और स्केलेटल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि हाइपरट्रॉफी मतलब सेल्स का इंक्रीमेंट हो जाना, वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि है ना अब आरबीसी कम हो रही हैं, तो हमारी जो बोन मैरो है वो जल्दी आरबीसी को बनाएगी, तो आरबीसी बनाएगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे आरबीसी मतलब जो इमेच्योर सेल्स हैं, प्रीकर्सर सेल्स हैं, वो वहाँ पे दिखेगी। कॉलीलिथियासिस भी होने के यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस, तो हमें अगर देखना है कि जो रेड सेल हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तो हम कैसे देखेंगे, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है, इंक्रीज यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीशन इन यूरिन, अगर यूरिन में है ना यूरोबिलिनोजन ज़्यादा अमाउंट में दिखता है, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन अगर हमें कम दिखेगा, हीमोपैक्सिन अगर हमें कम दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगी कि हम मतलब उसे हम
इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि रेथ्रोसाइट आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रही है। इंक्रीज प्लाज्मा एलडीएच, अगर है ना प्लाज्मा का एलडीएच हमें बढ़ा हुआ दिखेगा तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन अगर है ना यहाँ पे हमें रेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी की प्रोडक्शन इन्वेस्टिगेट करनी है, देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे? वहाँ पे हमें रेटिकुलोसाइटोसिस दिखेगी, मतलब वहाँ पे रेटिकुलोसाइट के काउंट ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि क्या होता है रेटिकुलोसाइट्स क्या होती है, प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। अब है ना आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो हमारी बॉडी है ना और आरबीसी बनाएगी, तो वहाँ पे ना इमैच्योर आरबीसी हमको ज़्यादा दिखेंगी, मैच्योर नहीं दिखेंगे क्योंकि मैच्योर तो डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, ठीक है, तो इमैच्योर आरबीसी दिखेंगी जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। अब रेटिकुलोसाइट्स का काउंट हमें वहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, मैक्रोसाइटोसिस दिखेगी, पॉलीक्रोमेशिया और न्यूक्लिएटेड रेड सेल इन पेरिफेरल स्मियर, जब हम पेरिफेरल स्मियर कराएंगे तो वहाँ पे न्यूक्लिएटेड रेड सेल दिखेगी। एराइथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया यही है, क्या ना वो आरबीसी ज़्यादा बनाएगी मतलब इमैच्योर सेल ज़्यादा बनाएगी तो उसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। मार्क्ड एन आइसोपोइक्लोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स दिखेंगी, ठीक है, उसमें कलर नहीं दिखेगा। अगर हमें देखना है, अगर हमें डायग्नोसिस करनी है कि है ना इंट्रावेस्क्युलर है कि एक्स्ट्रावेस्क्युलर है, तो इंट्रावेस्क्युलर के लिए हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिनीमिया चेक करेंगे, हीमोग्लोबिनूरिया चेक करेंगे, ठीक है, मिथ हेमोग्लोबिन नीमिया चेक करेंगे और हीमोसिड्रिनूरिया चेक करेंगे। अगर यूरिन में हीमोसिड्रिन ज़्यादा है तो या फिर ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो वो कौन सी हीमोलिसिस होगी, इंट्रावेस्क्युलर हीमोलिसिस। अगर ये चार हमें दिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ इंट्रावेस्क्युलर हीमोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो टेस्ट फॉर कॉज ऑफ हीमोलिसिस, हम इसमें हीमोलिसिस चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, कूम टेस्ट करा सकते हैं, हिंज बॉडी प्रिपरेशन करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेरिफेरल स्मेयर एग्जामिनेशन और हैम्स टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो है ना थेरेपी चलाएंगे, थेरेपी करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की वजह से हीमोलिसिस हो रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेग अल्सर, अगर अल्सर अल्सर का भी वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। कॉलीलिथियासिस, अब जब डिस्ट्रक्शन की वजह से कॉलीलिथियासिस हो रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे, और फिर हम कुछ थेरेपीज भी चला सकते हैं जो कि है ना जैसे कि मतलब कॉलीलिथियासिस होगी जॉन्डिस की हम चला सकते हैं, ठीक है, तो ये सब थेरेपी चलेंगी। तो ये था हीमोलिसिस या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इनके टाइप्स पे लाएंगे, टाइप्स में जो कोल्ड और वार्म हमने पढ़ी थी AIHA ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, तो हम इसमें वो पढ़ेंगे, स्फेरोसाइटोसिस पढ़ेंगे और सिकल सेल अनीमिया पढ़ेंगे और G6PD की डेफिशिएंसी वाला वीडियो, हम ये चार वीडियोस लाने वाले हैं। तो फिर इसके पार्ट्स भी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।